किस्सा गौहरण। विराट नगर के राजा कमल नयन के यहां पांडव अपना अज्ञात वास काट रहे थे। राजा कमल नयन का साला कीचक था, जो द्रौपदी पर बुरी नजर रखता था। द्रौपदी राजा कमल नयन के यहां दासी का कार्य कर रही थी। द्रौपदी कीचक से बहुत परेशान थी और एक दिन परेशान होकर सारी बातें भीम को बता देती है। भीम बड़ा क्रोधित होता है और उसका वध कर देता है। कीचक के मरने की खबर सारे राज्य में फैल जाती है। उधर दुर्योधन जब सुनता है कि कीचक मारा गया तो समझ जाता है कि कीचक को भीम के सिवाय कोई नहीं मार सकता। हो ना हो वो पांडव ही होंगे जो विराट नगर में छिपे हुए हैं। दुर्योधन विराट नगर पर चढ़ाई कर देता है और सारी गऊओं को छीन लेता है। राजा कमल नयन सुशर्मा से लड़ने गए थे, तब युधिष्ठिर भीम को राजा कमल नयन की सहायता करने के लिए युद्ध में जाने के लिए कहते हैं। और धर्म युधिष्ठिर कहन लगे, ओ लगे, ये बस सुनो भीम मेरे भाई, कमल नैन को लाओ छुड़ा के करके आग लड़ाई। धर्म युधिष्ठिर कहने लगे, ओ सुनो भीम मेरे भाई, कमल नैन को लाओ छुड़ा के करके आग लड़ाई। जाके हमने प्रण निभाया, करना चाहिए हलाल अभी जो नमक भूख का खाया। नरक भोगना पड़े हमें जो नाजा भूख छुड़ाया, कमल नैन के प्राण बचा दुश्मन का करो सफाया। छीन लो सुसर माते, हो गौ छीन लो सुसर माते, इब क्यों देर लगाई, कमल नैन को लाओ छुड़ा के करके आज लड़ाई। जंग जोर ते करीना,
खेक छुड़ा के दुश्मन की तम लाश लाश पे धारे ना। सुशर्मा को भगा वहां पे विपद भूप की हारे ना। हमने कोई पिछाने गा मत ऐसी बात पे डारे ना। अरे दस दिन ज्यादा बीत गए तमको साफ बताई कमल मैन को लिया छुड़ा के करके आज लड़ाई। अरे इतनी सुन के भीमसेन बस बड़े जोर से गारी जा। ओ सुशर्मा लड़ो ठहर के बुरा करूं तेरा दार जा। जब ही डूबता गदा पाप का अच्छी तरह तबार जा। कमल नैन जीव जा सकता है पहले बल्लभ मरे जा। मैन को लियाओ छुड़ा के करके आज लड़ाई। धर्म युधिष्ठिर कहने लगे हो 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 धर्म युधिष्ठिर कहने लगे जब सुनो भीम मेरे भाई। कमल नैन को लियाओ छुड़ा के करके आज लड़ाई। जाओ भीम और युद्ध में विजयी होकर आओ। जो आ गया भ्राता श्री। आप चिंता न कीजिए, हम अभी जाते हैं और युद्ध में राजा कमल नैन की सहायता करेंगे। जाओ भीम, मुझे तुम पर और नकुल सहदेव पर गर्व है, तुम अवश्य ही विजयी होकर लौटोगे। जाओ। महारानी जी, हस्तिनापुर के दुर्योधन ने हमारी सारी गौएं छीन ली है। क्या? और हमें बुरी तरह से मारा पीटा। उन्होंने कहा है या तो तुम्हारा राजा उससे जंग करे या अपनी बेटी का डोला भेजे। क्या? बेटी का डोला? हाँ हाँ महारानी जी। अरे गौ छीन ली उस दुर्योधन ने सब रानी मारी। कहो जाय के राजा ते करे लड़ने की तैयारी। We'll be right back.
मारे सामी गेर दिए वन तोपा में गोला री रानी तोपा में गोला हम सारे ग्वाले पकड़ लिए और न्यू हम ते बोलिया कहो जाए के राजा ते दे बेटी का डोला दे दे बेटी का डोला तमाचे मारे गाल पे रमत ना करियो वार खबर कर दो भूपाल पे जाके गौ छुड़ाले मेहर करे मारे हाल पे रानी मारे हाल पे भी आना से मैं
क्यों कर उसे पठाऊ सलंदरी, क्यों कर उसे क्या होगा, महाराज भी यहाँ नहीं है। यदि मेरा भाई कीचक आज जिंदा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। महारानी, ऐसा क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। शैलेंद्री, हस्तिनापुर नरेश, दुर्योधन ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। उसने हमारी सारी गऊओं को छीन लिया है और उसने कहा है या तो अपनी बेटी का डोला दे या फिर जंग ओट ले। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप अपने पुत्र उत्तर कुमार को युद्ध में भेज दीजिए। शैलेंद्री, ना तो कोई सारथी है ना ही मेरा उत्तर युद्ध जीत सकता है। महारानी, मैं आपको एक सलाह देती हूँ। आपके यहाँ जो हिजड़ा रहता है उसने पांडवों का रथ हांका है। यदि वह उत्तर कुमार का साथी बनकर जाएगा तो उत्तर कुमार यह युद्ध अवश्य जीतेगा। ठीक है शैलेंद्री, मैं उस हिजड़े को अपने पुत्र उत्तर कुमार के साथ अवश्य भेजूंगा। सारथी बन के राज कुंवर के समरण में जाना, एरे गऊ चुराई दुर्योधन ने उन्हें चुरा के लाना। सारथी बन के राजकुंवर के इव समरण बैठा मरदाना, बहु चुराई
पकड़ मरोड़ो, सपने में भी इधर ना मैं ऐसा करके छोड़ो। आ जाओ जंग जीत महल में गयो गजब तराना, गौ चुराई दुर्योधन ने उन्हें छुड़ा कल्याणा। सारथी बन के राजकुंवर के इव तमरण में जाना, गौ चुराई दुर्योधन ने उन्हें छुड़ा कल्याणा। सारथी बन के राजकुंवर के। लेकिन महारानी, मेरा तो नाचने गाने का काम है, मैं भला युद्ध में क्या कर सकता हूँ? वहाँ तो बड़े बड़े योद्धा होंगे, उनके सामने हिजड़ा उत्तर की रक्षा कैसे कर सकता है? मुझे दासी ने सब कुछ बता दिया है कि तुम जिसके भी सारथी बनकर जाते हो वह युद्ध में अवश्य जीत कर आता है। महारानी, अगर नाच गाना देखना चाहती हो तो दिखाऊं, लेकिन युद्ध में जाना मेरे बस की बात नहीं है। सुनो ब्रह्मलैला, तुम्हें मेरे पुत्र के साथ युद्ध में जाना ही होगा। महारानी, युद्ध में दादा भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और करण जैसे बली हो तो वहाँ पर तो ये हिजड़ा बेबस ही नजर आएगा ना। लड़ना से अरे मारे बस की ना लड़ना से, तू क्यों ज्यादा लाचार करे ये रणभूमि में। दादा भीष्म उड़ भारी मार मार करे, मारे बस की ना लड़ना से, तू ज्यादा लाचार करे उस रणभूमि में। दादा भीष्म उड़ भारी मारा मार करे, चारी हाथा में गगन धरण जा डोल बावली जंग जिते नारी बात में। हंस रहे ना गाता में मेरा, हंस रहे ना गाता में तेरा डर के राजकुमार भगे तेरी रणभूमि। दादा भीष्म भारी मारा मार करे, भूरी सरवा बलदाई सो में दत्त भगदत्त लड़ेंगे जिनकी मार सवाई। देख लड़ाई भागेंगे, अरे देख लड़ाई भागेंगे और हाथा ते हथियार गिरे तेरी रणभूमि में। दादा भीष्म उड़ भारी मारा मार करे,
चढ़ाती मेरी अश्वत्थामा चढ़ाती पे गैल लड़े कृपाचारी उस दुर्योधन के सामी मारी अरे पेश चले ना कुछ मारी अरे अश्वत्थामा चढ़ाती पे गैल लड़े कृपाचारी उस दुर्योधन के सामी रानी पेश चले ना कुछ मारी हस्तनापुर का छत्तरधारी हस्तनापुर का छत्तरधारी हर भारी मारा मारी करे रणभूमि में दादा भीष्म भारी मारा मार करे अरे गाने की कर हम जाने गाने की कर हम जाने अरे छत्री लड़े लड़ाई रानी जो जाने वो ही ताने जिके नाम ही जगा मारा रानी अरे गाने की कर हम जाने पहचाने जगा राम छंद ने पहचाने राजवीर बना तैयार करे उस रणभूमि में दादा भीष्म भारी मारा मार करे अरे मारे बस की ना लड़ना से क्यों ज्यादा लाचार करे उस रणभूमि में दादा भीष्म उड़ भारी स्वामी क्या अपना पुराना वक्त भूल चुके हो क्या हिजड़े के रूप में बिल्कुल हिजड़े हो चुके हो घर में ही मर्द बनते हो मर्द तो वह होता है जो रणभूमि में जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दे क्या तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है जिस पर हमें घमंड था बोलो स्वामी तेरा पेड़ा पड़ा शरीर ही जड़े मर्द रया नबीर रया बिखरे सर के केश देश में देशों मेरा फकीर रया सर के केश देश में बेसियो मेरा फकीर रहा तेरा पेड़ा पड़ा शरीर ही जड़े मर्द रहा नबीर रहा बिखरे सर के केश देश में बेसियो मेरा फकीर रहा हाँ बिखरे सर के केश देश में बेसियो मेरा फकीर रहा में
पूछियो मेरा फकीर यहाँ बिखरे सर के किस देश में पूछियो मेरा फकीर शैलेंद्री, ब्रहलैला युद्ध में जाने के लिए तैयार हुई या नहीं? महारानी, युद्ध में जब दादा भीष्म के बाण चलेंगे तो ये हिजड़ा डर के मारे वैसे ही भाग आएगा, और युद्ध में महाबली कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबके सामने ये नाचने वाला ब्रहलैला भला क्या कर सकता है? इस हिजड़े का दिल तो ऐसे ही ना फट जाएगा। अरे तू मत ना जंग की बात करे, ओ अरे तू मत ना जंग की बात करे, नहीं मेरा काल जा फट जागा जहां भी समझी के बाण चले, जहां भी समझी के बाण चले, जिस ढाल ही जड़ा डट जागा, ओ ओ ओ अरे बंदना जंग की बात करे, नहीं मेरा काल जा फट जागा जहां भी समझी के बाण चले, किस ढाल ही जड़ा डट जागा, ओ
साच बता दे महारानी, तो किसने बात बताई। साच बता दे महारानी, तो किसने बात बताई। मन देखी नहीं ढाला पूरा पट जागा, जहां भी समझी के भाण चल। किस ढाल की जगा पट जागा, ओ ओ ओ। ब्रजपाल गुरु ने रत जागा, जहां भी समझी के भाण चले। जहां भी समझी के भाण चले, किस ढाल ही जड़ा डट जागा। हो मत ना जंग की बात करे, नहीं मेरा काल जा फट जागा। जहां भी समझी के भाण चले, समझी के बाण चले, किस ढाल ही जड़ा डट जागा। शैलेंद्री, ये ब्रह्मलैला मानने वाली नहीं है, इसे मनाने के चक्कर में बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं महारानी जी, मैं इसे मना लूंगी। अच्छा, तुम इसे मनाओ,
मैं कोई और उपाय सोचती हूँ। हे आर्यपुत्र, अगर तुम इस तरह घर में मुंह छिपाए पड़े रहोगे तो मेरी प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? हम कब तक इस तरह छिपते छिपाते फिरेंगे? क्या तुम्हारे रगों में क्षत्रियपन का खून खत्म हो चुका है? पापी पारत तैने जुलम गुजारे तेरे छतरापन के ¡Gracias!
द्रौपदी, तुमने आज हिजड़े के अंदर छुपे हुए अर्जुन को जगाया। मैं तो इसलिए शांत था कहीं हमारा भेद ना खुल जाए, लेकिन अब तो अज्ञातवास का समय भी खत्म हो चुका है। लेकिन राजा विराट को जब हमारे बारे में पता चलेगा वो क्या सोचेंगे? परंतु तुम्हारी इस बोली ने मेरे तन बदन में आग लगा दी, मेरे सारे जख्मों को हरा कर दिया। Sonodev Video.